हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। खबर लोहारू से है, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया, बजट पर लोगों से राय ली जा रही है। आपको बता दें, प्रदेश के बजट सत्र पर बोलते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बजट के लिए संस्थाओं, किसानों, जनप्रतिनिधियों सहित लोगों से राय ली जा रही है। सरकार का यह प्रयास है कि ऐसा बजट हो जिसमें प्रदेश के सभी लोगों की राय शामिल हो, ताकि बजट से ज्यादा लोगों को लाभ और सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि बजट में किसान की आय को बढ़ाने और खेती को लाभप्रद बनाने के लिए जोर रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट से हरियाणा को सूक्ष्म सिंचाई के लिए भी 1200 करोड़ रुपये मिलेंगे। जैसा राष्ट्रीय बजट आ चुका है और इस बजट में सारा जोर किसानों की तरफ रहा है, इसी तरह से प्रदेश का बजट आएगा। और कल परसों ही मीटिंग हुई थी सूक्ष्म सिंचाई के लिए, केंद्रीय बजट से हरियाणा को 1100-1200 करोड़ रुपए का मिलेगा, नाबार्ड से करके पैसा मिलेगा, 7 साल का थोड़े ब्याज का पैसा, और उससे सारे इलाके के अंदर ड्रिप इरीगेशन हो जाएगी, हरियाणा में पानी की बहुत बचत होगी और जो ड्रिप का काम है बहुत तेजी से चलेगा। अभी शुरुआत हुई है, अब बैंकों की मीटिंग करनी शुरू कर दी है हमने। इसे हर अधिकारी को हम टारगेट देंगे और हर गांव के अंदर ही देखेंगे कि सबके पास कार्ड हो जाएंगे। आज दिल्ली में चुनाव है, भाजपा की जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? बहुत ज्यादा। चुनाव लड़ने वाले सभी आश्वस्त होते हैं, ये तो लोगों के।